हेलो, गुड आफ्टरनून। आप सब कैसे हैं? अभी सुबह, सॉरी, दोपहर के बज रहे हैं लगभग 4:15, और हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। आज मैंने सुबह से नहीं स्टार्ट किया, मैंने दोपहर से स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा काम घर के ये अपने करने थे, जो कि मतलब करने ही थे, काफ़ी हो गया था, मतलब एक एक दिन डिले हो रहा था उसके लिए, क्योंकि है साड़ियाँ वगैरह निकालो ना, तो एक निकालो तो दूसरी ख़राब होती है, ऐसे होता है। तो मैं सीरियल से जो एक सिंगल कलर की हैं, इस तरह से अलग अलग कलर की ऐसे लगा दूंगी। और पता है, मैं ज़्यादा कपड़े वगैरह ख़रीदती नहीं हूँ, ऐसे बोलते हैं सब लोग, मतलब सब लोग क्या बोलते हैं कि इंसान इतने कपड़े ले लेता है ना, कि ऐसे लगता है जैसे पूरी ज़िंदगी जीने वाला है। लेकिन इतने कपड़े हमें नहीं लेने चाहिए, क्योंकि हम पूरी ज़िंदगी थोड़ी ना जीने वाले आए हैं। हम भी ईश्वर के किराएदार हैं, कुछ दिन के लिए इधर आए हैं और फिर चले जाएंगे, ऐसे ही रहता है। लेकिन फिर भी कुछ ना करते 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 थोड़े थोड़े करते करते हो ही जाते हैं इतने कपड़े कि, लेकिन हमें इतने कपड़े नहीं लेने चाहिए, उस पैसे को ना हमें कहीं और लगाना चाहिए। तो देखिए, आज मेरी फाइनली पूरी अलमारी सही हो ही गई। इतने दिन से मैं सोच रही थी, और पता है ये पूरा मैसी मैसी सा हो गया था एकदम, मतलब क्योंकि रोज कपड़े निकालना रखना ऐसे चलता है ना, तो पूरा एकदम खराब हो गया था। तो मैंने कहा चलो, अभी वैसे पूरी फाइनल अच्छे से नहीं हुई है, लेकिन हाँ फिर भी ये कि काफी कुछ सुधर गया है। और क्योंकि 4-5 दिन बाद ही खराब होनी है, तो अभी फिलहाल ऐसे ही कर लिया है, लेकिन फिर भी ठीक लग रहा है। और पता है, एक मैं आपको ट्रिक बताऊं, तो ये आप देख रहे हैं, स्टील के हैंगर देख रहे हैं, एक मिनट मैं थोड़ा सा, ये देख रहे हैं, हाँ ये आप देख रहे हैं, पहले तो मेरे ये प्लास्टिक के हैंगर लगे हुए थे, ये देखिए इस तरह से। तो इनमें क्या होता था ना, साड़ियों को अगर हम ऐसे लगाते थे तो पूरा ऐसे लप जाती थी और पूरी साड़ियां नीचे आ जाती थी, जिसकी वजह से हम यहाँ पर कुछ ज्यादा कपड़े मतलब नहीं रख पाते थे। और फिर मैंने क्या किया ना, मुझे लगा कि स्टील के हैंगर, तो फिर मेरे पास हैंगर ज्यादा मतलब कम थे, तो मैं लेके आई इसी वजह से। तो फिर मैंने देखा कि जब स्टील के हैंगर में हम इस तरह साड़ी लगाए ना, तो नीचे बहुत ज्यादा स्पेस हो जाता है, जिससे कि हम यहाँ पर और भारी साड़ियाँ जो पार्टी वेयर वगैरह रहती हैं, ये तो डेली वेयर की हो गई, तो पार्टी वेयर वगैरह साड़ियाँ हम इधर आराम से रख सकते हैं। तो इस वजह से ना मैंने ये हैंगर सारे हटा दिए और ये सारे लगाए हैं, तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। ये हैंगर मेरे पास एक्स्ट्रा है फालतू, तो इनको क्या है, कपड़े वपड़े सुखाने के ये के काम आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। तो स्टील के हैंगर लगाने से पूरा यहाँ पे काफी जगह हो जाती है, और आराम से मतलब हम लोग कर सकते हैं, और पूरा मेरा साफ हो गया, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, खुशी मिल रही है। तो मैं बंद कर दूँ, और मैं पता है कितने 4 बजे से लगी हूँ ये करने में, और अभी बज रहे हैं 6:30, मुझे लगता बज रहे होंगे, काफी टाइम मतलब अच्छा खासा टाइम हो गया है ये करते करते पूरा। तो मैं कहना भूल गई है ना, काव्या एंड मम्मा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है, आपका अपने चैनल में, ये आपका ही चैनल है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा इसी तरह बढ़ाते रहें और मोटिवेट करते रहें हमको, लाइक शेयर कमेंट भी करते रहें। तो अभी मेरा आज ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम से, वैसे तो मैं लगी हूँ 4 बजे से, दोपहर ही समझो या शाम समझो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका अपना चैनल है, जो समझिए समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी देखते हैं आगे, और बाकी बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई ये सब मतलब पूरे दिन ही चलता है, 1 मिनट भी आराम करने को ज्यादा नहीं मिलता, थोड़ा बहुत भले 10-15 मिनट बिस्तर ले लो, बस इससे ज्यादा नहीं मिलता। तो मेरा इतना काम हो गया है, बाकी और देखती हूँ क्या करना है, काफी कुछ मतलब कर लिया, अभी बच्चों को पढ़ाई वगैरह करानी है सब चीजें, और चलते हैं। और आप लोग कैसे हैं मुझे कमेंट में जरूर बताया करिए, हम तो इधर अच्छे ही हैं। और पता है ये सारा मतलब ये लगता है ना, अगर 2-3 दिन भी खराब खराब अलमारी रहे तो अच्छा नहीं लगता, ये लगता है जल्दी करें, जल्दी कोई भी काम है ना, एकदम ऐसा लगता है कभी कभी सर पे चढ़ा हुआ है, जब तक हम उसको कर ना ले तो अच्छा नहीं लगता। और आज मैं अंदर बेडरूम में ही अपना वीडियो स्टार्ट किया मैंने, क्योंकि बाहर ना सिवाय मुझे आज करने नहीं दे रहा, वो बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहा, उसका होता है ना कभी कभी, उसको नशा हो जाता है परेशान करने का, और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं करेगा, ऐसे होता है। तो आज मुझे ना शाम को ज्यादा कुछ खाना बनाना नहीं है, क्योंकि कुछ थोड़ा बहुत रखा है, थोड़ा बहुत बना लेंगे तो हो जाएगा ऐसे ही। तो इस वजह से मैंने कहा चलो आज मैं ये काम कर लूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी था, कपड़े सब इतर के भीतर हो रहे थे सारे इस वजह से, और टाइम से ये सब चीजें कर लो तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी कल मुझे धुलने हैं कपड़े, तो कल मेरी लगेगी मशीन, क्योंकि कल है सैटरडे, कल सैटरडे है, ये मेरी वीडियो जाएगी तो सैटरडे हो जाएगा, नहीं ये नहीं जाएगी, कल तो अभी दूसरी जाएगी, हाँ सैटरडे कल है,
ब्लॉग आज से स्टार्ट हो रहा है, ये संडे को जाएगा, सैटरडे को भी चलेगा ऐसे करके। तो कल मुझे लगानी है मशीन और कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाकी का काम। और मैंने अभी कल के मतलब सुबह के नाश्ते की भी तैयारी मुझे थोड़ा आज से ही करनी है, क्योंकि कल जो बनाना है उसकी प्रिपरेशन आज से ही करनी है, तो मैंने भी कल कर लूँगी अभी। तो चलिए चलते हैं बाहर, क्योंकि यहाँ का काम हो चुका है, देखती हूँ खाना पीने का, क्योंकि 6:30 बज रहे हैं लगभग, तो आगे का देखना बहुत ज़रूरी है। तो आप बने रहिए वीडियो में हमारे साथ इसी तरह, ठीक है। और आज मैंने धुले थे बाल, तो मुझे सुबह से टाइम ही नहीं मिला था कि मैं उनको कंघी कर लूँ। सुबह से वही हो जाता है, घर घर खाना पीना ये वो, तो ये लगता है चलो फुर्सत जब मिलेगी तब अपने बारे में सोचेंगे। तो वही मैंने सोचा बालों को सुलझा लूँ, वरना फिर ना और ज़्यादा गुच्छा बन जाता है, अगर उनको समय से आप कंघी ना दो तो और ज़्यादा। वैसे भी मेरा बाल बहुत पतला है तो बहुत जल्दी गुच्छा बनता है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा सुलझा लूँ, क्योंकि सुबह से ही ऐसे क्लेचर लगा के रखा था जब से बाल धुले थे तब से ही, और बाल इतना ज़्यादा झड़ रहा है आजकल, मतलब परेशान है, शायद बारिश की वजह से ही या क्या है समझ में नहीं आ रहा। और शाम का टाइम हो चुका है, तो शिवाय को मुझे दूध देना है बच्चों को, तो वही मैं दूध दूध गर्म करके उनको दूंगी, और वो दूध पीने में तो थोड़ा नाटक करता है, लेकिन फिर भी क्या है पिलाना ही है। और ये पहले बोतल पीता था ना, बोतल तो मतलब इसने ज़्यादा पी नहीं है, लगभग 6 महीने 8 महीने पी है, उतने में ही ये काफ़ी मतलब बीमार हो जाता था। अगर आप भी अपने बच्चों को बोतल देते हैं तो प्लीज़ 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 आप लोग देना बंद कर दें, मतलब मेरा बच्चा ये समझो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गया था, बॉम्बे वगैरह सब एडमिट रहा, फिर मैंने बोतल छुड़वा दी इसकी, किसी तरह ग्लास से ही दूध पीता, तो अभी फिट है, बीमार नहीं पड़ता उतना। और ये सुबह मतलब उस दिन नागपंचमी थी, तो ये चने और गेहूँ सुबह किसी ने दोपहर में मतलब खाया नहीं, क्योंकि और सारा खाना था, तो ये इसकी बना रही हूँ मैं शाम को चाट, इसमें मैंने डाल दिया है प्याज टमाटर और चाट मसाला, नींबू नमक मिर्ची, और ये हरी मिर्च मैं बाद में डालूंगी अपने में, के सिर्फ बच्चों के में नहीं डालूंगी, बच्चे नहीं खा पाएंगे इसी वजह से। तो ये देखिए हमारी चाट बनकर तैयार है, तो आप लोग भी आ जाइए और चाट का मज़ा लीजिए। और इस तरह का स्प्राउट ना हमको लेना चाहिए, मतलब कहने का हफ्ते में 3 दिन तो हमें स्प्राउट का ही नाश्ता लेना चाहिए, बाकी जितना जिसके जिससे हो सकता है वो कर लेना चाहिए। अब इसको इसी तरह दबा दबा के मुझे दूध पीना पिलाना पड़ता है, कई बार ये ना मेरे ऊपर ही वॉमिटिंग भी कर देता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब मैं शिवाय का कर रही हूँ मेकओवर, थोड़ा सा मुंह धुला दिया है और इसको पकड़ के रखा है मैंने, उसके लगाऊंगी मैं काजल, और काजल लगा दो ना बच्चे सुंदर लगने लगते हैं। थोड़ा सा मैं नेल पेंट लगा ले रही हूँ, क्योंकि मैंने कई दिन से लगाया ही नहीं था। द चिल्ड्रन ठीक से बैठो, पहले ठीक से बैठो, ऐसे ऐसे ऊपर पंथी लगा के बैठो, ठीक से बैठो, शिवाय नहीं गंदी बात नहीं करो, द चिल्ड्रन मैं बनाने वाली हूँ इडली, क्योंकि इडली ना मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, मेरा शिवाय भी खा लेता है, और मतलब तीनों बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, बस इनको ही नहीं पसंद है। तो आज ये गए हुए ड्यूटी, तो मैंने सोचा बच्चों को नाश्ता करा दूँ इडली का ही। तो मैंने ना ये जो आप कटोरी देख रहे थे, ये भर के मैंने 2 कटोरी चावल लिए हैं और 1 कटोरी मैंने ली है उड़द की दाल धुली हुई, और उसी में थोड़ा सा डाल दिया है मैंने मेथी दाना। इन सब चीज़ों को 2-3 पानी से अच्छे से मैंने धुल लिया है और फिर गला दिया है लगभग 2 घंटे के लिए। जब अच्छे से गल गया है तब उसको मिक्सर में इस तरह से देखिए पेस्ट बना करके उसको रख देंगे। और ये मैंने लगभग शाम को 7 बजे गलाया था, और उसके बाद मैंने 9:30 बज रहा है तब मैंने इसको पीस के इस तरह से पेस्ट को पीसने के बाद ढक के अच्छे से रख दिया है, और सुबह तक इसका अच्छे से फैन उठ जाएगा और बस हमारी बन जाएगी इडली। कुछ भी इसमें सोडा इनो कुछ भी नहीं डालना है। और अब हम लोग जा रहे हैं नीचे, क्योंकि बच्चों को मैंने बोला था ना कि नीचे लेके चलेंगे, तो ये देखिए हम सब लोग नीचे जा रहे हैं पार्किंग में, और बाहर रोड पर थोड़ी देर टहलेंगे खेलेंगे बच्चे। ये देखे शिवाय कितनी तेज भाग रहा है, एंजॉय करेंगे इसी तरह से। और मेरा खाना पीना हो गया था 7:30, आज पता है मैंने बच्चों को किया था प्रॉमिस
कि आप लोग मुझे टेबल सुना दोगे तो फिर मैं ले जाऊंगी छत पर। और ये लोग, मैंने बोला था कि 7 बजे तक सुना दीजिएगा टेबल तो छत पे ले चलेंगे, लेकिन क्या हुआ ना कि छत पे ले नहीं जा सके क्योंकि 7 बजे तक ये लोग सुना ही नहीं पाए, 8 बजे सुना पाए। फिर खाना पीना हो गया, फिर मम्मी अब तुमने प्रॉमिस किया था मम्मी प्लीज मम्मी ले चलो ले चलो, लेकिन छत पे ले जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा था, रात हो गई थी तो मैंने कहा चलो अच्छा नीचे चलते हैं। तो अब हम लोग गए थे नीचे और थोड़ी देर ऐसे घूम घूम के, अभी बज रहा है आप देख रहे होंगे अभी बज रहा है 10:30, तो अब जा रहे हैं सोने। तो मैंने कहा आपको गुड नाइट बोल दूँ फिर मैं सोऊं, तो गुड नाइट बाय, फिर सुबह मिलते हैं ठीक है। तो बच्चों को मेरे बहुत अच्छा लगा, नीचे खूब दौड़ ली घूम ली, और सिवाय तो पूरा कुत्ते को ही उठा ले रहे थे, उसको डर भी नहीं लगता कुत्ते से, इतनी बदमाशी करता है। लेकिन थोड़ा सा बच के रहना चाहिए कि कब कौन मतलब काट ले कुत्ता, कोई वो नहीं रहता ना भाई, वो जानवर है उनको इतना पता नहीं रहता है क्या है, तो इस वजह से ही सेफ्टी से ही रहना चाहिए। तो चलिए टाइम ज़्यादा हो जाएगा, फिर बात करते करते बहुत टाइम हो जाता है और फिर ना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, वो ठीक नहीं। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, गुड मॉर्निंग। अब मैं तो उठ चुकी हूँ और आप लोग भी उठ जाइए, अभी सुबह के बज रहे हैं 5:45 और मैं उठ गई हूँ। वैसे कभी कभी मैं 5:30 पे उठ जाती हूँ, 5:45 पे उठ जाती हूँ, 6:30 पे, कोई मेरा फिक्स नहीं है, जिस हिसाब से मुझे काम करना होता। कभी कभी मैं 4 बजे भी उठ जाती हूँ, और ये अब मैं पी रही हूँ गर्म पानी, कभी गर्म पानी पी लेती हूँ कभी जीरा वाला पानी पी लेती हूँ, ऐसे ही चलता है। क्योंकि क्या है ना, हम घर गृहस्थी में इतना ज़्यादा फंसे हैं कि अपने आप का ध्यान हो ही नहीं पाता, सबका करते करते ही पूरा टाइम पूरा दिन निकल जाए। और कपड़े गलाने के बाद मैं तुरंत जाऊंगी, मतलब पोछा लगाऊंगी, पोछा लगाने के बाद सीधे नहा लूंगी, क्योंकि फिर मुझे कोई काम नहीं है। मशीन तो नहाने के बाद भी चल सकती है, बस मेरा काम हो गया। अभी 7:30 ही बज रहे हैं, ज्यादा टाइम नहीं है। संकट करे मिटाए सब पीरा, जो सुमिरे सहनमत अलबीरा, जय 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 हनुमान गुस्सा, कृपा करे गुरुदेव की नाई, जो सतवार पाठ के होई, छूटे बंद महामुखो, जो या पड़े हनुमान चालीसा, होई सिद्ध साखी गौरी, तुलसीदास सदारी चेरा की, जो ना दे दे मोय डेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, देव सह सुरपुर सिया, बलराम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भोले बाबा पार्वती माता की जय। और आज है शनिवार, तो मैं सुंदरकांड का पाठ कर लेती हूँ और उसके बाद हनुमान चालीसा। मतलब सुंदरकांड का पाठ पूरा तो नहीं कर पाती, एक शनिवार को थोड़ा, फिर थोड़ा मंगलवार को, ऐसे ही चलता है। और ये देखिए हमारा बैटर तैयार ही था, बस इसमें थोड़ा सा ऑयलिंग करके मैं इडली चढ़ा दूँगी। जब तक इडली बनेगी तब तक मैं उसकी बना लूँगी चटनी, वही मूँगफली धनिया दही डाल के, ऐसे हल्की सी चीनी और नमक और मिर्ची, बस ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे उसमें। और ये इडली बहुत जल्दी बन जाती है, लगभग 10 से 12 मिनट में इडली बनकर तैयार हो जाती है। बस इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और थोड़ा रिफाइन ऑयल डाला है। ये देखिए इडली बनकर तैयार है और बहुत चपकती है, एकदम सॉफ्ट इडली बनती, कुछ भी इसमें इनो सोडा कुछ डालने की ज़रूरत ही। 11:30 तक ये आए हैं तो इनके लिए मैं बनाऊंगी इसी से डोसा, इसी बैटर से डोसा भी बन जाता है काफ़ी अच्छा। थोड़ा सा आलू रखा ही है उससे। तो आ जाइए, नाश्ता तैयार है, अभी टाइम हो रहा है 8:30 और चाय साथ में और इडली और चटनी, और सिवाय पता है अभी अभी बिल्कुल उठ के आ रहे हैं ये देखिए अभी अभी, और इनको टिटली खानी है, टिटली इनको बहुत पसंद है ना, ये टिटली बोलता है। और मुझे ना सिवाय के बाल कटवाने, बहुत ज्यादा बड़े हो गए, अब देखती हूँ किस दिन कटिंग हो पाती है इनकी। कोरोना वोरोना के डर से ना बाहर हम लोग जा नहीं रहे, ना ये जा रहे हैं, मतलब नाई की दुकान में जाने में थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लगता है, वैसे कहीं जाना आना तो अलग बात है। तो अभी चलिए हम नाश्ता करते हैं और आप भी हमारे साथ आइए नाश्ता करिए, ग्रीन ग्रीन चटनी के साथ बहुत ही टेस्टी बना है, बना होगा मतलब अभी मैंने खाया नहीं है, अभी खाऊंगी तो पता चलेगा ठीक है। तो आप भी बनाइए और इंजॉय करिए, खाइए इसी तरह बन। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगले ब्लॉग में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो इसलिए वीडियो को हम नहीं करेंगे एंड। तो चलिए फिर, गुड बाय।